मेहनत उस सफलता का नाम है जो बंजर जमी को उपजाऊ बना देती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आईएस पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, किंगडम, किंग्स एंड ईयरली रिपब्लिक। ऑल राइट, तो हमने अपने पिछले बीते हुए चैप्टर में बातें की थी कि सबसे प्राचीनतम जो वेद है कौन सा है, वेदों की कुल कितनी संख्याएं हैं, वेदों की रचनाएं किसने की, वेदों में जो शासक हुआ करते थे यानी कि ऋग्वेदिक कालीन जो शासक हुआ करते थे तो कौन हुआ करते थे, वेदों में कितने सूक्त हैं, वेदों में सबसे जो महत्व दिया गया था वो किन देवताओं को दिया गया है, तो ये सभी चर्चाएँ की थी। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर वहाँ पर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के उस वीडियोस पर कमेंट भी आए कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो आज हम नोट्स के बारे में भी थोड़ी चर्चाएँ करेंगे। तो देखिए नोट्स, तो नोट्स को क्रिएट कैसे करें। ऑलराइट, तो नोट्स, तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग किस लेवल की है। मानिए कि आपने एक नोट्स बनाया, ठीक है, तो नोट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बुक्स को ही देखा और बुक से ही मतलब सब कुछ उसमें जो है वो अपने क्रिएट कर दिया, परंतु नोट्स का जो सही मतलब होता है यानी कि नोट्स का मतलब होता है कि एक बुक को कुछ पेजेस में ही लाना और उसका जो फास्ट ट्रैक रिविज़न है यानी कि नोट्स बनाए इसलिए जाते हैं कि उससे हम फास्ट ट्रैक रिविज़न कर सकें। ऑलराइट, तो उसमें जो सबसे बेस्ट उसका वे है, तो सबसे बेस्ट इसका लिए वे है कि आप अगर आपको नोट्स बनाने हैं, मानिए कि अगर आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो हम हिस्ट्री और जियोग्राफी के नोट्स को एक साथ ले सकते हैं, प्लस इसमें साइंस को भी मिक्स कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने नोट्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने उसमें कुछ वैज्ञानिकों यानी कि कुछ पशुओं के वैज्ञानिक नाम भी आपको उसमें बता रखे हैं, तो इसमें यानी कि मैंने आपको साइंस से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे कि अब जियोग्राफी का है, तो उसमें जैसे एक क्वेश्चन आया था कि 12,000 साल पहले जो था वो जलवायु परिवर्तन के कारण मतलब कुछ ऐसा हुआ था। ऑलराइट, तो उसमें देखो जलवायु परिवर्तन, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी का भी है, तो इसमें नोट्स में सबसे जो मेन चीज़ है तो वो जो होता है कि सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी हम किस तरीके से कर पाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, तो कुछ लोग जो है वो शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं, जैसे कि आज वर्तमान समय में भी हम मतदान करते हैं। आपको पता ही होगा कि इंडिया में हर 5 वर्ष में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव किए जाते हैं। ऑलराइट, तो लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। तो मैंने आपको बताया ही था कि उसमें सबसे पहले जो मतलब सबसे छोटी इकाई होती थी विस, यानी कि कुछ ग्रामों को मिलाकर एक विस बनता था और कुछ विषों को मिलाकर एक जन बनता था, फिर एक जनपद बनता था कुछ जनों को मिलाकर, तो फिर कुछ जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनता था, और महाजनपद जब एक बड़ा राज्य हो जाता था यानी कि जब महाजनपद में जो शासक हुआ करते थे जब वो युद्ध करके उस क्षेत्र को जीत लिया करते थे तो वो महाजनपद एक पूरा साम्राज्य बन जाता था। जैसे कि आपने मगध साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। परंतु करीब 3,000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, अश्वमेध यज्ञ। अब देखिए, तो यज्ञों की जो हमारे ऋग्वेद में मानी गई है यानी कि ऋग्वेद में जो यज्ञ माने गए हैं तो वो 4 प्रमुख यज्ञ है। ऑलराइट, तो उत्तर वैदिक काल में किए जाने वाले जो यज्ञ है वो 4 है। तो देखिए, तो सबसे पहला जो है राजसूय यज्ञ। ऑलराइट, दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, तीसरा है वाजपेय यज्ञ और चौथा है अग्निष्ठ होम यज्ञ। ऑलराइट, तो इन सभी यज्ञों को आप अपने जब आप नोट्स क्रिएट करेंगे तो आप उनमें जरूर लिखेंगे। ऑलराइट, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता था इसमें अश्वमेध यज्ञ माना जाता था। तो आप देखते हैं ऐसा क्यों। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था
इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे कि आपने रामायण देखी होगी तो रामायण में भी कई बार अश्वमेध यानी कि जैसे कि आपने देखा कि एक घोड़ा दौड़ता हुआ किसी क्षेत्र पर जाता है, किसी के क्षेत्र में जाता है, तो उसमें अगर वो घोड़े को रोक लिया करता था तो वहाँ पर उसे युद्ध करना पड़ता था। अगर वो युद्ध जीत जाया करता था तो उसका साम्राज्य वो हो जाया करता था। तो उस समय में जो साम्राज्य था तो वो इसी तरीके से जो शासक हुआ करते थे वो इसी तरीके से वहाँ पर हासिल किया करते थे। तो चलिए अब देखते हैं, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों यानी कि पुजारियों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो इसके लिए उन्होंने उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। ऑलराइट, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी हुई उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान किया करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों में भी कभी कभी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो देखिए, यानी कि शूद्र यानी कि उस समय के जो सबसे चार वर्ण माने गए हैं, ऑलराइट, उसके बारे में अपनी वीडियो में ही आगे जिक्र करेंगे। तो चार वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, जिसका स्थान सबसे सर्वोपरि था, क्षत्रिय, वैश्य यानी कि विष, और शूद्र। शूद्र का स्थान इसमें सबसे नीचे का स्थान माना गया है। तो यानी कि उस समय में जो लोग थे वो जातियों और वर्णों को लेकर भी काफ़ी मतलब भेदभाव किया करते थे। ऑलराइट, तो इसमें शूद्र के जो काम थे वो एक तरीके से दास यानी कि एक तरीके से गुलाम की तरह वो अपने कार्यों को करते रहते थे। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले एक सूची बनाओ, इसमें आधार पर कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो पहले वर्ग में ब्राह्मण शामिल थे जो इन अनुष्ठानों को करवाते थे, क्षेत्रीय जो युद्धों को लड़ा करते थे, ऑलराइट, और वैश्य, ये तीन वर्ण जो है उस समय में मुख्य थे। ऑलराइट, अब देखते हैं वर्ण। उस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। उनके अत्यंत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें से सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज के कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकारी, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहितों तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछलियाँ पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन थे। ऑलराइट, तो इसमें हमें समझ में आता है कि जो श्रमिक यानी कि श्रम किया करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे और शिकार किया करते थे, तो वो जो वर्ण थे वो निर्धन थे। तो पुरोहितों ने लोगों के चार वर्गों में विभाजित किया, यानी कि पुरोहित यानी कि जो पुजारी होया करते थे यानी कि पूजा पाठ करने वाले, उन्होंने उस वर्ण में चार वर्णों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। तो उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित थे। तो यानी कि उस समय के जो वर्ण थे वो लोगों की कार्यों पर निर्भर किया करते थे। तो पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। ऑलराइट, उनका काम युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। उनका कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षेत्रीय और वैश्य दोनों से ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीन वर्णों की सेवा करना था। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर वर्णों में भेदभाव देखने को मिल रहा है। तो यानी कि उस समय में जो लोग थे
उत्तर वैदिक काल में, तो उस समय वर्णों में भी काफी भेदभाव होने लगा था, तो इन्हें कहीं अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया था। अब देखते हैं कि महिलाओं की जो उस समय की स्थिति थी, यानी कि वो शूद्रों, यानी कि उन्हें भी किसी अनुष्ठानों में प्रतिभागी नहीं किया जाता था। इससे समझ में आता है कि उस समय के जो लोग थे वो महिलाओं को इतना स्थान नहीं दिया करते थे। ऑलराइट, तो शूद्रों को भी वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो यानी कि उस समय में महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ऑलराइट, अब देखते हैं कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ऑलराइट, देख सकते हैं कि जो वर्णों का निर्धारण था वो जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों के अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही उनमें से वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम किया करते थे। तो इससे हमें एक बात भी समझ आती है कि उस समय में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में, दो प्रथाएं थी, शवों को जलाने की और दफनाने की। तो इन लोगों के संपर्क में पवित्रता मानी जाती थी। ऑलराइट, तो कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, तो कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, और उस समय उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट्स के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों ने का प्रभाव सीमित था। ऑलराइट, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो दूसरे की, यानी कि अपने लिए, मतलब अपने हिस्से के, जैसे कि अपनी बात को लेकर के वो विरोध करना भी उस समय सीख गए थे, जैसे कि आपको इसमें अभी बताया गया है। ऑलराइट, तो उसमें अब एक प्रमुख जन भी देख लेते हैं कि उस समय के कौन कौन से पांच प्रमुख जन थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने चैप्टर में बताया था। तो पांच जन कौन कौन से थे ये देखिए। तो कई गांवों को मिलाकर, ग्रामों सॉरी, तो कई ग्रामों को मिलाकर विश बनता था। इसका जो अध्यक्ष होता था तो विशपति होता था। ऑलराइट, तो और जन जन होता था जब कई जो विश थे, जब कई विश मिल जाया करते थे तो वो जन का रूप ले लेते थे। तो जन में देखते हैं कि हमारे कितने जन थे। तो पुरुजन था, यदुजन था, तुर्वसजन था, मनुजन था, और ब्रहुजन था, और भरतजन था। भरतजन सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जन था। ऑलराइट, अब आप जब अपने नोट्स क्रिएट करेंगे तो ये भी इसमें लिख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जनपद, तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ने होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। तो अब देखिए, तो जैसे जन थे, तो जन जब, मतलब जैसे कोई शासक जन में था, तो जन जब बड़े होते चले गए, यानी कि जब उनकी जो कार्य क्षेत्र बड़ा होता चला गया, तो वो जनपदों का रूप लेने लगे। तो जनपदों का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4-57 में दिखाए गए हैं। ऑलराइट, तो हम मानचित्र 4 देखेंगे। आप ये देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण ये जनपद है हमारे, तो आप देख ही सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़। तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अंतरजीखेड़ा उनके प्रमुख है। खुदाई से पता लगा है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। ऑलराइट, तो इसमें भी एक पॉइंट बनता है कि लोग उस समय जो है वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियाँ तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ऑलराइट, वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। ऑलराइट, अब जैसे कि हमने अपने चौथे अध्याय में पढ़ा था, तो उस समय में, यानी कि ऋग्वेदिक काल में, गन्ना और सरसों को नहीं उगाया जाता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में गन्ना और सरसों को उगाया जाता था। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूनसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों की कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्र धूसर पात्र के रूप में माना जाता है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल लेखा तथा
ज्यामितीय आकृति के रूप में है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एक पात्र है, ऑलराइट। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो चित्रित धुंसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह से सुंदर व चिकने, शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता हो। तो उस समय में जब मान सकते हैं कि उस समय में जो लोग यानी कि जन या यानी कि युद्ध जीत जाया करते थे, तो उस समय जीतने पर कुछ अनुष्ठान यानी कि विशेष अनुष्ठानों को लेकर ही इन बर्तनों का उपयोग किया जाता होगा। अब महाजनपद देखते हैं। तो महाजनपद तो करीब 2500 साल पहले, 2500 साल अर्थात यानी कि 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी के इस समय के बीच जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। तो यानी कि जब जनपद एक विशेष तरीके से एक क्षेत्र अधिकार यानी कि उसका बड़ा हो जाता है, यानी कि उसके जो कार्य क्षेत्र है वो बड़े हो जाते हैं जनपद के, तो उसे एक महाजनपद कहा जाता है। तो महाजनपद कहने लगे थे। तो मानचित्र 4 में कुछ महाजनपद दिखाए गए हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यानी कि उस समय में किलेबंदी करना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा हो गया था, तो इस तरीके से वो किलाबंदी भी करने लगे थे। अर्थात उनके चारों ओर लकड़ियाँ, ईंट तथा पत्थर ऊंची दीवारें बना दी गई थी। ऑलराइट, तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा यानी कि जो किलाबंदी की जाती थी वो सुरक्षा यानी कि दूसरे राजाओं और दूसरे शासकों को लेकर उन्होंने अपनी सुरक्षा की थी, इसलिए उन्होंने किलाबंदी करवाई होगी। तो इन किलों का निर्माण किया गया। तो कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इसी तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों में और उनके क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। ऑलराइट, तो यानी कि एक पहला पॉइंट तो हमें ये मिलता है कि किलाबंदी एक तो सुरक्षा को लेकर, ऑलराइट, और दूसरा मिलता है कि अपने क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर। तो इस तरीके से जो थे वो उस समय के राजा वो किलाबंदी करा दिया करते थे। तो इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा। उनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों का नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः 8 सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो उस समय जो थे यानी कि जो राजा थे वो सेनाएं रखने लगे थे। तो उस समय जो थे हमारे वो चांदियों के सिक्के चला करते थे, तो उनके रूप में वो जो सेना होती थी उनको वो वेतन के रूप में चांदी के सिक्के दिया करते थे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। अब आप ये अपने ये देख ही पा रहे होंगे, तो कौसाम्बी किले की ये दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके पास एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, यानी कि लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच इसका निर्माण किया गया था। तो मैंने आपको बताया ही है कि इसका निर्माण किस लिए किया गया था। तो इसका निर्माण सुरक्षा और राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए और अपनी समृद्धि को दर्शाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कर यानी कि टैक्स। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों को निर्भर रहकर अपने विपत्तित रूप में कर वसूलते थे। तो यानी कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे महाजनपदों के, तो वो जनता से कर वसूलते थे। अब देखते हैं कि किस तरीके से वो कर को जो है वो वसूली किया करते थे। तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। ऑलराइट, तो क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, तो उस समय में ये भी पता चलता है कि अधिकांश जो उस समय के लोग थे वो कृषक थे। तो प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। तो कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करना पड़ता था। तो इसमें पता चलता है कि यानी कि जो कारीगर थे उस समय के,
तो वो एक दिन का श्रम यानी कि महीनों में एक दिन का श्रम करके यानी कि उनके लिए काम किया करते थे, तो वो इस तरीके से अपना टैक्स चुकाते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में देना पड़ता था, व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, तो यानी कि व्यापारी भी उस समय जो है वो कर चुकाते थे। तो आखेटक तदक संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो अब देखिए आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे, तो आखेटक हमने पढ़ा ही था कि आखेटक हम शिकारी को कहते हैं और खाद्य संग्राहक यानी कि खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने वाले लोग, तो इसमें वो क्या देते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आखेटक यानी कि जो शिकार किया करते थे वो अपने शिकार किया हुआ शिकार देते थे, और जो फल को इकट्ठा किया करते थे यानी कि खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे वो अपनी खाने पीने की चीज़ों को भी राजा को दिया करते थे, वो भी कर के रूप में। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि में क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, तो यानी कि उस समय में जो उत्तर वैदिक काल में लोग जो है लोहे का उपयोग करना सीख गए थे, अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज बढ़ गई थी। दूसरे लोगों के धानों के पौधे रोपण शुरू किया था, अर्थात खेतों के बीच में छिड़क कर धान उपजाने का बजाय धान की पौध तैयार करना उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसके लिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, ये काम ज़्यादातर दास यानी कि दासी और भूमिहीन खेती हर मजदूर कम कार करते थे। राइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सूक्ष्म निरीक्षण, तो इसमें मगध, आपने मगध के साम्राज्य के बारे में सुना ही होगा। तो मगध सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर साम्राज्य था उस समय का भारत का। तो मगध साम्राज्य, आपने अलेक्जेंडर के बारे में भी सुना होगा, तो अलेक्जेंडर ने लगभग 326 बीसी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, और मगध साम्राज्य जब वो धीरे धीरे मतलब आप जानते ही होंगे कि जो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर था वो मेसोपोटामिया का था। ऑलराइट, तो उसने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था, और जब उसकी सेना मगध साम्राज्य के नज़दीक पहुंची, तो मगध साम्राज्य के नज़दीक पहुंचने पर उसकी सेना ने वहाँ पर युद्ध लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि सिकंदर की काफ़ी दिनों से जो सेना थी वो युद्ध भी लड़ रही थी, तो वो काफ़ी थकी हुई थी। इसलिए उन्होंने मगध साम्राज्य, वो जानते ही थे कि वो कितना शक्तिशाली साम्राज्य है, तो उसने मगध साम्राज्य से लड़ने से इनकार कर दिया था। अब देखते हैं कि मगध साम्राज्य, तो मगध मानचित्र 4 पृष्ठ 57 पर मगध साम्राज्य, अब देखते हैं मगध साम्राज्य, आप ये देख ही पा रहे होंगे ये हमारा मगध साम्राज्य है, ये देखिए ये हमारा मगध साम्राज्य है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसे नदियों में मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण यानी कि जल का वितरण यानी कि जलों को बांटना और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में के काम में लिया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें और मजबूत औजार बनाने के हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। तो उस समय के जो लोग थे वो हाथियों को प्रशिक्षित करना यानी कि जंगल की विशेष संपदा से यानी कि विशाल संपदा से वो परिचित होने के साथ साथ जंगलों के जो जानवर थे उनको प्रशिक्षित कर सेनाओं में यानी कि प्रतिभागी बनाने लगे थे, और लोहे के अयस्कों से यानी कि लोहों से वो अपने औजारों को बनाने लगे थे, और रथ भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। तो यानी कि उस समय के जो साम्राज्य के लोग थे उन्होंने युद्ध के लिए भी एक यानी कि रणनीति, पूरी रणनीति से वो युद्ध के लिए भी अपनी तैयारियां करते थे। तो मगध में दो ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु हुए हैं। ऑलराइट, अन्य जनपदों को जीतने के लिए वे हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप में उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह यानी कि आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी हुई है। बाद में पाटलिपुर, आज का पटना यानी कि वर्तमान समय में पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पटना है, को राजधानी बनाया गया। तो 2300 साल से भी पहले,
की बात है, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, ऑल राइट। तो पूरी तरह सफल न होने पर उसने मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ऑल राइट। तो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, ऑल राइट। तो वो जानते थे कि यानी कि मगध जो साम्राज्य था उस समय वो काफ़ी चर्चाओं में था, यानी कि मगध साम्राज्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था उस समय का, ऑल राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो वज्जिज, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, तो उसके नज़दीकी वज्जिज राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो गण देखिए किसे कहते हैं, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था, और संघ अर्थात संगठन, यानी कि उस समय के जो लोग थे वो गण और संघ बनाकर भी उस समय युद्ध के लिए नीतियाँ बनाने लगे थे। तो गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन किया करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राज विभिन्न अनुष्ठानों के साथ ही संपन्न करते थे, सभाओं में बैठकर ये बातचीत बहस और वाद विवाद के जरिए तय किया करते थे कि क्या करना है और क्या किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लिया ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में लगभग हम 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, तो दोनों ही गण उस संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, तो राइट। तो ये भी हमारे लिए एक पॉइंट है। तो जो बुद्ध और महावीर यानी कि जिसे हम जानते हैं कि महावीर भगवान ने जैन धर्म की स्थापना की और बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो उस समय में जो बौद्ध थे वो साहित्य संघ के संघ में यानी कि दोनों ही जो गण या संघ में संबंधित थे, तो यानी कि उस समय में ये उससे संबंधित थे, ऑल राइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो वज्जिज संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। तो दीर्घ निकाय का एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध में कई व्याख्यान दिए गए हैं, तो करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो अजातशत्रु और अजातशत्रु के वज्जिज संघ, तो अजातशत्रु वज्जिज संघ आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनके लिए पूछा कि क्या वज्जिज सभाएं नियमित रूप से होती है, तो उनमें तथा उनमें सभी सभाएं उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जिजवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, तो बड़े का सम्मान व समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो इसमें हमें पता चलता है कि उस समय जो लोग थे और आज पर भी ये हमारी सिद्धांतों पर कार्य करते हैं कि जो पूर्ण और नियमित सभाएँ करते रहेंगे, तो इस तरीके से यानी कि जो 4 नियम दिए गए थे, आज भी अगर वर्तमान में ये सभी नियमों का पालन किया जाए तो वो कोई भी राज्य हो या कोई भी साम्राज्य हो तो वो कभी भी मात नहीं खा सकता किसी भी तरीके से, ऑल राइट। तो उस समय में ये जो थे भगवान बुद्ध ने ये वो दिए थे। तो वज्जिज महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्य का रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, ऑल राइट। तो इस तरीके की जो उन्होंने सिद्धांत दिया यानी कि उस तरीके की जो बात हुई, तो भगवान बुद्ध ने ये सभी बातें बताई। तो यानी कि इन सभी अगर बातों पे उन समय के जो लोग थे अगर वो इन चीज़ों पर वो करेंगे सॉरी यानी कि इन चीज़ों का अगर वो पालन करेंगे तो वो कभी भी जो वो साम्राज्य है वो तो कभी भी शक्तिहीन नहीं होगा, ऑल राइट। तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और राज्य विजय प्राप्त करने और अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे, ऑल राइट। तो अन्यत्र अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शासक व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, तो ऑल राइट। तो आज भी हमारे देश में जो है गणतंत्र की सरकार होती है, आप जानते ही होंगे कि उसे डेमोक्रेटिक सरकार हम कहते हैं, ऑल राइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30वां जो साल था उसके ऊपर अपने सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। जो दास नहीं थे वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर से कम 40 बार बुलाई जाती थी।
ऑलराइट, तो आप देख ही सकते हैं कि यानी कि साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। तो यानी कि उस समय के जो राजा और शासक हुआ करते थे, तो कितना वो अपने साम्राज्य को चलाने के लिए वो कितनी बैठकों को बुलाया करते थे, यानी कि कितनी वो वार्तालापें किया करते थे उस समय। तो इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों में नियुक्तियाँ लॉटरियाँ द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना अपनी सेवा देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी और शिल्पकारी के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं काम कर रहे दासों को भी नागरिकता अधिकार नहीं मिलता था। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि आज के हमारे उपयोगी शब्द कौन कौन से हैं। तो राजा, हमने देखा कि राजा किस तरीके के थे। अश्वमेध के बारे में हमने पढ़ा कि अश्वमेध क्या है और अश्वमेध यज्ञ क्या है, और ये कितने मतलब उस समय के उत्तर वैदिक काल में कितने प्रमुख यज्ञ थे। ऑलराइट, तो वर्ण हमने पढ़े, वो वर्ण 4 होते हैं। तो हमने जनपदों के बारे में जाना, जनपदों, महाजनपदों और साम्राज्यों के बारे में जाना। ऑलराइट, किलेबंदी के बारे में जाना, तो किलेबंदी क्यों कराते थे, आप लोगों ने पढ़ा ही है कि किलेबंदी इसलिए जो राजा होया करते थे, तो इसलिए वो किलेबंदी कराते थे क्योंकि वो अपनी सुरक्षा और नियंत्रण रखने के लिए किलेबंदी कराते थे। सेना के बारे में हमने देखा, कर के बारे में देखा कि किस तरीके से जो राजा थे अलग अलग वर्णों से अलग अलग तरीक़ों से वो कर प्राप्त किया करते थे। पौधे रोपण यानी कि पौधों को लगाना। गण तथा संघ हमने पढ़ा कि गण और संघ किसे कहते हैं, और प्रजातंत्र यानी कि प्रजातंत्र के बारे में भी हमने पढ़ा। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो जिस किसी ने भी सॉरी तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड जय हिंद।